मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सार सार की बात करें। एक तो सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को। और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे, आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा, वह स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो फॉलन आउट, अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा, उनको फिर से आमंत्रण देंगे रिक्त पदों पर। लेकिन हमारी जिंदगी में और निश्चितता आए, इसलिए मुझे लगता है कुछ कदम और उठाना जरूरी है। आप जानते हैं यूसीजी के गाइड लाइन के कारण कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसमें से भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। एक तो अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए अभी यह व्यवस्था नहीं है, मैं पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा। उसमें कुछ प्रक्रिया के बाद हमको फेर बदल करना पड़ेगा, उसके मैं निर्देश दूंगा। और अभी आपको प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20, इतने नंबर दिए जाते हैं ना अतिरिक्त, और पेपर टोटल होता है कितने का, 900 का होता है, तो इसलिए ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे। इसको बढ़ा के अधिकतम 10% अंक तक दिए जाएंगे, उसकी व्यवस्था हम बनाएंगे ताकि अधिकतम शामिल हो सके। और एक बात और कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। इतना इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, देश का दिल है मध्य प्रदेश। अरे 4,500 लोगों को तो अपने दिल में समा ही सकता है, और इसलिए हम ये व्यवस्था बनाएंगे जब फॉलन आउट की नौबत ना आए, लगातार हम काम करते रह सके। इसमें आईटीआई वाले भी बैठे, आईटीआई वाले भी जो हमारे प्रवक्ता भी हैं, व्याख्याता भी हैं, सब है। तो जो मैंने 50,000 की बात तकनीकी के लिए भी कही वो लागू होगी, बाकी बात भी लागू होगी। और अतिथि प्रवक्ता भी है क्या, कुछ ये अलग है कुछ क्या, अतिथि प्रवक्ता अलग है। अभी इनको कितना दे रहे हैं, 14 हुआ है 14,000 का। अच्छा, उनका प्रपोजल सर है कि आप बढ़ा के सर 20,000 तक कर सकते हैं। 18,000, चलिए उनका भी वेतन बढ़ा के 20,000 रुपया किया जाएगा, मानदेय उनका। मित्रों, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे लगता है लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है, सार सार की बात मैंने बोल दी। आप सुखी रहो, आप निरोग रहो, आपका मंगल हो,
आपका कल्याण हो और बच्चों के भविष्य को भी आप बेहतर से बेहतर बनाने के काम में जुट जाएं, यही मेरी अपील है। मैं